नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दो तीन दिनों से पूरे दुनिया में खबरें चल रही हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण। और आज मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत को अपमानित करने का काम किया है। भारत का सर शर्म से झुक गया है। आजादी के 75 वर्षों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना अपमानित नहीं किया, भारत का सर इस तरीके से दुनिया के सामने नहीं झुकाया जितना नरेंद्र मोदी जी ने झुकाने का काम किया। जितनी इंटरनेशनल बेइज्जती आज मोदी जी ने कराई है, और ये पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के कारण, नरेंद्र मोदी जी की नफरत की राजनीति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को, भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, उनको बुलाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ट्रेनिंग नफरत की इनको मिलती है नरेंद्र मोदी जी से, और माफी भारत को मांगना पड़े। ये 130 करोड़ लोगों का अपमान है, ये भारतवासियों का अपमान है, ये भारत की जनता का और भारत का अपमान है, जो मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से आज दुनिया के स्तर पे हमें झेलने और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सत्येन जैन के घर पे ईडी का छापा हो गया। 5 दिनों तक सत्येन जैन से पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला सत्येन जैन के पास, कोई भ्रष्टाचार नहीं खोज पाई मोदी जी की एजेंसी ईडी। और हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो कह दिया सत्येन जैन के खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है, सत्येन जैन के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं है। तो जब सत्येन जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो उनको गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्येन जैन एक ईमानदार इंसान है और दिल्ली के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के लिए देकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सत्येंद्र जैन का है। आज उनको गिरफ्तार करके रखा गया है, और जब उनको अपमानित कर लिया, 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो अब पहुंच गए सत्येन जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है, सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येन जैन के घर पे बहुत
बार पढ़ चुका है, पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती आपकी हो रही है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपमानित हो रहा है, भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण, उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येन जैन के घर पे मरवा दिया। ये अपमान है, एक अच्छे एक ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री का भी, और साथ ही साथ जिस समुदाय से वो आते हैं, जैन समुदाय से, उस समुदाय का एक बड़ा योगदान सामाजिक कार्यों में, देश की तरक्की और विकास में है। आज वो पूरा का पूरा समाज सत्येंद्र जैन के साथ हो रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना की कार्रवाई से दुखी है, आक्रोशित है, गुस्से में है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येन जैन को टारगेट करके, उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी तो आपसे कह चुके हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए, और हम सबके प्रति इतनी दुर्भावना अगर आपके मन में भरी पड़ी है तो एक साथ सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, लेकिन शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर कुछ काम करके इस देश के लोगों को दिखाइए।